Hello everyone, welcome to my channel Recycle Craft Ideas. I am Shweta. आज का वीडियो एक होम डेकोर वीडियो है जो है वाटर कैंडल्स। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीली रिसाइकल्ड है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो आपका घर डेकोरेट करने के लिए। वाटर कैंडल्स बनाने के लिए आपको चाहिए थिक प्लास्टिक। आप किसी भी कंटेनर का प्लास्टिक ढक्कन यूज़ कर सकते हो और उसे हम कुछ ऐसे कट करने वाले हैं। मैं इसे सर्कुलर शेप में कट कर रही हूँ। अब इसको बीच में एक होल कीजिए जिससे हम कॉटन विक इजीली इंसर्ट कर सकें। अगर आपके पास पंचिंग मशीन है तो ये और भी इजी है, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने सीजर से बीच में एक होल बनाया। तो मैंने ऐसे कुछ 8-10 बना लिए जो हम ये DIY प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्लास बाउल में पानी ऐड किया है, नॉर्मल टैप वाटर है। उसमें मैंने एक्रेलिक कलर मिक्स किया है। यू कैन यूज़ एनी कलर, यू कैन यूज़ फूड कलर एज वेल। फिर इसमें मैंने ग्लिटर्स ऐड किए, ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। ऑयल है तो पानी पे फ्लोट होगा ही, इसे फ्लोटिंग कैंडल्स DIY भी कहते हैं। अब हम कॉटन विक लेंगे या फिर मोमबत्ती बनाने के लिए जो धागे यूज़ करते हैं उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली जो पूजा घर में दियो की पाती होती है उसे भी आप कट करके इसमें यूज़ कर सकते हैं एज अ कैंडल विक। अब मैं एक कैंडल विक को जो प्लास्टिक शीट हमने कट करके रखे थे उसके होल में इंसर्ट करके पानी के ऊपर हल्के से रख रही हूँ। प्लास्टिक शीट के वजह से कॉटन विक पानी के अंदर डूबेगा नहीं और इसी तरह हमारा फर्स्ट DIY रेडी है। अब हम दूसरा बनाते हैं। इस वाटर कैंडल की भी प्रोसीजर सेम ही है। एक बाउल लिया, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला, फिर रेड एक्रेलिक कलर से मिक्स किया। यहाँ पे आप कोई भी फूड कलर या फिर कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा गोल्डन ग्लिटर ऐड किया। आपके चॉइस से इसे डेकोरेट कर सकते हो। फिर इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। फिर उसी तरह एक कॉटन विक को या फिर दिए की बाती को हम एक प्लास्टिक में डाल के उसको थामने का पोर्शन मैंने थोड़ा कट कर लिया है और फिर हल्के हाथों से पानी में छोड़ देना है। और ये आपका दूसरा कैंडल रेडी है ना सिंपल। इसे आप ट्राई कीजिए आपके फेवरेट कलर से। जब तक पानी में तेल है ये कैंडल्स चलेंगे और बहुत सुंदर दिखते हैं। कुछ इसी तरह से मैंने कुछ और वाटर कैंडल्स बनाई है। आपके पास जो अवेलेबल डेकोरेशन स्टोन से या फिर कुंदन से इसको आप यूज़ करके बना सकते हो। यू कैन यूज़ एनी शेप क्रिस्टल एज स्टोन्स। कुंदन स्टोन्स जो ज्वेलरी मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर डेकोरेटिंग और क्राफ्टिंग के लिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टोन्स लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन दिस वाटर कैंडल। कॉटन विक को प्लास्टिक में डालकर हल्के हाथों से पानी पे छोड़ दीजिए। कुछ इसी तरह से आपके फेवरेट स्टोन्स या फिर क्ले फ्लावर्स किसी को भी यूज़ करके आप ऐसे सुंदर डेकोरेट कर सकते हो। दूसरे बाउल में मैंने एक रेड कलर का क्ले फ्लावर जो बनाया था वो डाला है। अब सेम कॉटन विक को प्लास्टिक में इंसर्ट करके इसको पानी के अंदर हल्के हाथों से छोड़ देना। यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेटिंग एक्सेसरीज यूज़ कर रही हूँ। ये है पिंक कलर के रोजेस, ये फोम रोजेस है, बहुत ही प्रिटी लग रहे इस बाउल में, तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लूँ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इसे फ्लेम से दूर रखिएगा। आपके पास जो भी डेकोरेटिव सामान इजीली अवेलेबल है उससे आप ये बना सकते हो, है ना एक एक सिंपल DIY। इसके पीछे एक ट्रिक है जो है थिन प्लास्टिक शीट जो ये कैंडल को डूबने नहीं देती।
आई होप ये वाटर कैंडल्स आपको भी पसंद आए होंगे। ये वाटर कैंडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ और वाटर कैंडल्स बनाए हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ग्लास में मैंने एक सिल्वर कलर का लटकन डाला है। ये मेरे पास एक लटकन पड़ा हुआ था जो इसे मैंने इस DIY में यूज़ किया। फिर ये कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स है जो हम वास डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स मैं यहाँ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, अगर आपके पास रियल फ्लावर्स है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ दूसरे ग्लास में भी मैंने सिल्वर कलर का लटकन और कुछ प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाले। अब दोनों ग्लास को पानी से भर दीजिए। याद रखिए पानी पूरा ना भरे, क्योंकि हमें उसमें एक लेयर ऑयल की भी डालनी होती है। ये कैंडल विक थ्रेड है जो मोमबत्ती बनाने में यूज किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दिए की बाती यूज कर सकते हैं। आप जरूर ये DIY ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगा। ये वाटर कैंडल्स बहुत ही कम खर्चे में तैयार होते हैं। इसको आप किसी भी बर्थडे पार्टी में या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में या फिर होम पार्टी में या जो होम डेकोर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल, इजी और अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसमें आप रियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हर्ब्स भी, लाइक रोजमेरी स्प्रिंग एज वेल। और फ्रेग्रेंस के लिए आप फ्रेग्रेंस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूट सा शैंपेन ग्लास है, इसे भी मैं वाटर कैंडल के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई एम मिक्सिंग टू कलर्स हियर, येलो और रेड कलर मिक्स करके एक पीच कलर बनाया, सम कुकिंग ऑयल और कॉटन विक को ग्लास के ऊपर हल्के हाथों से रख दिया। इट्स डन। इस ग्लास में मैं एक अंडर वाटर सीन क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सैंड और कुछ शेल्स मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक फिश या फिर कुछ डेकोरेटिव एक्वेरियम प्लांट्स है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ ब्लू टिंटेड वाटर। एक्वेरियम सीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ विथ सम प्रेटी शेल्स। Fill the glass with the water. मैं यहाँ ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, एक्वेरियम ब्लू कलर है, थोड़ा सा एक्वेरियम लुक देने के लिए। Add some oil for the candles and the cotton wick. ये अंडरवाटर सीन डेकोरेट करने के लिए अगर आपके पास प्लास्टिक के फिशेस या फिर एक्वेरियम आइटम्स है जो भी डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली किसी ग्लास मार्बल के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। ये कलरफुल ग्लास मार्बल्स जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं, इसे भी आप ये वाटर कैंडल्स में यूज कर सकते हो। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे डेकोरेट करना है। मैं यहाँ पे कुछ मेरे आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, होप आपको अच्छे लगे। मैं यहाँ कुछ बूंदे फ्रेग्रेंस ऑयल की ऐड कर रही हूँ, जस्ट टू गिव अ ब्यूटीफुल अरोमा अ फ्रेग्रेंस टू माई होम। अगर आपको चाहिए तो आप रियल हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, जैसे रोजमेरी स्प्रिंग है, स्टार अनीस है, दालचीनी, लौंग
इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके घर को महकाने के लिए, या फिर गुलाब जल भी। मैंने इस ग्लास को थोड़ा गिफ्ट पेपर बारीक काट के और ग्लिटर से डेकोरेट किया है। ये एक ग्लास जार है, एक बोनविटा का जार था जिसे मुझे लगा कि यूज़ करना चाहिए। इसमें मैंने थोड़े कलरफुल पेबल्स ऐड किए हैं जो कि बहुत सुंदर लगेंगे। आप कोई भी ग्लास बॉटल इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्लास जार, या फिर एनी ग्लास प्रिटी कंटेनर आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी हाउ यू वॉन्ट टू डेकोरेट इट। सी हाउ प्रिटी इट इज। ये वाटर कैंडल्स बनाना बहुत ही सिंपल है। ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव, मोर यूनिक। जैसे यहाँ मैंने एक बियर ग्लास लिया है, ट्राई कर रही हूँ कि एक्रेलिक कलर से कलर कुछ बियर कलर जैसा लगे, बट माई हस्बैंड सेड इट लुक्स लाइक मौसम्बी जूस। मैंने यहाँ झाग ऐड करने के लिए, फोम ऐड करने के लिए डिश वॉशर सोप यूज़ किया है, थोड़ा ऑयल और कॉटन विक, एंड इट्स डन। आप वाटर कैंडल किसी भी ग्लास में बना सकते हो, वो बियर ग्लास हो या फिर वाइन ग्लास, दोनों भी अच्छे लगेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर रेडीमेड कैंडल्स भी, इट्स योर चॉइस। नाउ इट्स टाइम टू लाइट द विक। बहुत सुंदर सा सनसेट हुआ है, इसीलिए आप वीडियो में ये ऑरेंज लाइट देख सकते हो। एंड दिस ब्यूटीफुल कैंडल्स एडिंग एक्स्ट्रा शाइन टू माय होम। टिपिकली ये कैंडल्स बहुत देर तक चलती है, मतलब अप टू 3 आवर्स, बट ये पूरा डिपेंड करता है कि उसमें ऑयल आपने कितना डाला है। ये कुछ मेरी आइडियाज़ है जिसको मैंने मेरे होम डेकोर में यूज़ किया है। आप यूज़ कर सकते हो ग्लास पेबल्स, या फिर सिंपल आर्टिफिशियल, या फिर रियल फ्लावर्स, या फिर कुछ कुंदन, या फिर स्टोन्स, किसी भी चीज़ से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस कैंडल के लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखिए, जब आप ग्लास पानी से भरते हो तो ऊपर 1 इंच आप ऑयल के लिए छोड़ दें। इट विल बी अ रोमांटिक रिट्रीट फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन। It will add shine to your room in romantic sense. Birthday decoration हो या फिर anniversary celebration, house party हो या फिर kitty party, या फिर simple सा एक romantic candle night dinner with your loved one, this water candle will definitely turn out to be best home decor. ये कैंडल्स काफ़ी डेकोरेटिव है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी। आई एम श्योर ये आपके गेस्ट को ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। अगर आपको मेरा ये वाटर कैंडल्स DIY अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल रिसाइकल क्राफ्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।